160 साल पहले चाइना से निकलने वाली शिप को यूरोप तक पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशियन से होते हुए मेडागास्कर और ये पूरा कॉन्टिनेंट बाईपास करके यूरोप तक पहुंचना पड़ता था। ये सफर 24,000 किलोमीटर लंबा था। इसमें वक्त और पैसा बहुत लगता था। समुद्र में शॉर्टकट बनाने के लिए ईयर 1859 में स्विस केनाल बनाया। 150 किलोमीटर लंबे केनाल ने अरेबियन सी को मेडिटेरियन से मिलाया। जो सफर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 24,000 किलोमीटर का होता था वो स्विस केनाल की वजह से सिर्फ 13,000 किलोमीटर का हो गया।